بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد صلى على محمد وعلى صلوات پڑھو کائنات السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد پھر بھی سارے بزرگ بھائی عزیز عبادت سمجھ کے اونچے آواز پر صلوات صلی علی محمد و آل محمد اس عید دن دی پوری مجلس اول تو لے کے آخر تک دی تمام ڈیوٹی نوکری دی قبولیت اور منظوری دی خاطر سارے محترم بابا دے بلند محمد محمد التجا ہے جہان دے خالق اور مجلس دے پاک مالکاں وارثاں دی بارگاہ وچ کہ تسا تمام حاضرین مجلس دا دور نزدیک تو چل کے کاروبار دنیا داری چھوڑ کے کائنات دے سرداراں دے ذکر دی خاطر اس مقام تے تشریف فرما ہونا بانیاں نے مجلس مولا دے مدا خان غلام شبیر اور انہاں دے عزیز و اقارب اہل خاندان ہمدردی حمایت کرن والے سارے صاحبان دی محنت کوشش اتمام انتظام لنگر نیاز خرچ خرجات تمام ذاکرین و علماء دی پڑھائی تو میں نے چیز دی ڈیوٹی سردار اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائی مولا اس نوکری دا اجر عظیم عطا فرمائے اپنے ذکر سرکار مزید منظوری عطا فرمائے عزت بخت وچ مولا اضافہ فرمائے زبان سرکار زیادہ تو زیادہ تاثیر عطا فرمائے انہاں دے گھر تے خاندان تے انہاں آبادیاں تے سیدہ تے سیدہ دے منن والے تے حیدر شبیر دی دعا منگیا اللہ انہوں بیٹا دے حیدر شبیر نے مولا حیات کیا بچہ دے اللہ انہاں گھراں تے رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے سرکار عزت عطا فرمائے اپنی بارگاہ چ مولا وسیع حلال رزق عطا فرمائے تمام دعائی بارگاہ وچ قبول ہوئے سارے بزرگ بھائیاں دی حاضری مالک وارثاں دے دربار وچ منظور ہوئے سوائے ربی شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا تھانوں محفوظ رکھے سارے دعائیں قبول ہوئے
कायम आले मोहम्मद सरकार हो गए ताकि हक और बातिल का फैसला हो। इस सफे मातम और जिक्र का मालिक वारिस बादशाह उड़ाप तशरीफ ले आए सरदारा दे वेड़े वस्को नारे तकबीर। जितने बुजुर्ग भाई अजीज तशरीफ फरमाओ चूंकि इबादत है साड़ी मेहरबानी फरमाओ सारे बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारा हैदरी खुले दिल नारा हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत पाक मखदूमत दुश्मन तलानत मलके आलमीन सैंत दुश्मन तलानत सर्वात सारे हजरात खुले दिल लाल फड़ो सरदार माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलीयल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावत अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन जमीलन वहम्दन कसीरा जवालन सलवात अल्लज़ी खलकल इंसान मिन नुतफतिन أمشاج نبتلي فجعل الله سميعا بصيرا والصلاة ثم هدى الطريق البعد وسبيل الرشاد فإما شاكرا وإما كفورا جوارا سلوات پر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا بلند وعلى سلوات الصلاه والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين جي صلوات السلام و السلام على اخيه و ابن امه و وزيره و خليفته علي بن ابي طالب امام المشارق والمغارب بسم الله الغالب غالب على كل غالب قائد الغر المهجرين والميامين نارائي حيدري سلوات كل جلال فرد سردار عباق نام تلال عرض بکرنا زہرا و عبدا ہے عبادت کو ناز ہے
मुनासबत पाक मखदूम फरमा हुक्म भी इस तरह तो हुक्म की तामील है चे मैं नौकरी शुरू तक तवज्जो है जनाब एक सलवात सारे पढ़ो पाक मखदूम अर्ज की तेजहरा वो आबेदा है इबादत को नाज है एक दफा रहमत और बरकत के नूर दिखाते मेरा दिल है मैं बता अर्ज की तेजहरा वो आबेदा है इबादत को नाज है और जहरा वो ताहिरा है तहारत को नाज अर्ज की ते जहरा वो आबेदा है इबादत को नाज है और जहरा वो ताहिरा है तहारत को नाज है फिर मैं दिन को खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है और जहरा के हर कयाम पे कुदरत को नाज है सलामत रहो चलो एक लफ्ज दो और एक और मौला ही शायर ने लिखा ओ फरमाते नबी की दुख्तर अली की रोजा खुदा का नाते कलाम तू है नबी की दुख्तर अली की रोजा खुदा का नाते कलाम तू है बजुज मोहम्मद हर एक नबी से बुलंद तर एक मुकाम तू है फरमाते जो तू ना होती बता ना सकता कभी मसाइल कोई निशा को तमाम दुनिया की औरतों में रसूल तू है इमाम तू बहुत अच्छा जी ठीक है जी 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 जरूर जी नौकरी है जी जी मैं जरूर अर्ज की थे नबी की दुख्तर अली की रोजा खुदा का नाते कलाम तू है बजुज मोहम्मद हर एक नबी से बुलंद तर एक मुकाम तू है फरमाते जो तू ना होती बता न सकता कभी मसाइल कोई निशा को तमाम दुनिया की औरतों में रसूल तू है इमाम तू है माशाल्लाह पाक मखदूमा तुम बसता रखे चलो एक और बहुत सारे इस तरह के विलाय को और मौलाई ने लिखा उफर वेतन घर फातिमा जहरा का जब शान का घर है यानी ये ऐसा घर है पूरी कैनात दुनिया जहाना सारे जमाने जिसने वजन दा जिसने बराबर दा जिसने मुकाबले दा जिसने नाल दा और कोई घर नहीं की में नहीं हर दावे की दलील होती है अर्ज की ते घर फातिमा जहरा का अजब शान का घर है दलील दे ना जितने मोत्र बिच फिर प्यादा घर फातिमा जहरा का अजब शान का घर है किस तरह
ये वही की मंजिल है कुरान का घर। घर फातिमा जहरा का अजब शान का घर है, ये वही की मंजिल है कुरान का घर। तवज्जो, फरमाते इस्लाम के आईन में ईमान का घर है, इस्लाम के आईन में ईमान का घर है, ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान का घर। पाक मखदूमा। अच्छा जी, जी जरूर। अर्ज की थे घर फातिमा जहरा का अजब शान का घर है, ये वही की मंजिल है कुरान का घर। फरमाते इस्लाम के आईन में, जिसनों तू दीन समझता है, इस्लाम के आईन में ईमान का घर है, ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान का घर। सलवात सारे मिलके पढ़ो, सरदारा दे पाक नाम ते। पाक मखदूमा तुम दस्ता रखे, बारियां दी मेहनत कबूल होवे, गुलाम शकीर मौला अपने जिक्र च नौकरी च बेहतरीन मंजूरी अता फरमाए, दरबार च वाला मजीद तासीर अता फरमाए, सारे मोमिनीन दी हाजरी कबूल होवे, सादा तुजवान मौला मस्तर रखे, ते जुमला मरहूमीन दी कबरां ते अल्लाह रहमत नाले, बारियां नूं मौला अपनी बारगाह चो मसीह हलाल रिज़्क अता फरमाए, बेहतरीन मौला दे मुल्ला खान अच्छे तो अच्छे अंदाज च बादशाह दा जिक्र सुनवा गए, क्योंकि हुक्म है तो बैचा दा जेड़ा हुक्म है टाइम वक्त में भेजे होया जी पूरी। हाँ नहीं पढ़नी है कि एकड़े को जड़ी मजलिस होती है, बहुत अच्छे जाकर ते काफी पढ़ते हैं, नारा तकबीर मजलिस पूरी पढ़ते हैं, ठीक है सारे ही पढ़ने जी। मौला वस्ता रखे। ठीक है जनाब, तो मैं चाहता हूं कि मैं कसीदा शुरू कराऊं। चूंकि पाक मखदूमा जिन्हें दी ये मजलिस है, ये पाक हस्तियां दा मरकज है, मैं चाहता हूं कि उन्होंने नाम नाल ही मजलिस मनसूब है, तो सारे बुजुर्ग सईद अजीजा गुरदारा की तरफों पाक मखदूमा की बारगाह च एक नजराना अकीदत है, जो मैं सारे की तरफों चाहता कि इस मन च कसीदा सुना, गल मेरी खत्म हो गई है, तो सलवात सारे पढ़ो ना पाक मौसमा के नाम। फिर भी सलवात खुले दिल घोड़े बाण दो कुर्सी पीछा टा चल घोड़े छो दिन बाण दे के ठीक है, मोमिनीन तंग ना करो। अजी कसीदा नजम
पाक मस्तूर दे जिक्र च ते सारे मिल के किनारा सुनाओ ना अली सरदार दे बिस्मिल्लाह बोलो तुम मस्त रखे सलवात पढ़ो तो मैं शुरू कर दिया अर्ज फिक्रदा आफताबे नबूवत से फूटी किरण आफताबे नबूवत से फूटी किरण आफताबे नबूवत बिस्मिल्लाह फूटी किरण आफताबे नबूवत से फूटी किरण आफताबे नबूवत से फूटी किरण आफताबे बिस्मिल्लाह करो पाक वस्तु तो नमस्ता रखे बार बार के विलास की ते आफताबे नबूवत से फूटी किरण मोमिनो सैयदा तन निसाब बन गई तवज्जो हो गए ते फर्दे सानी अर्ज करो जी जिस मकाम ते बैठो अर्ज भी करे दा आफताबे नबूवत से फूटी किरण मोमिनो सैयदा तन निसाब बन गई आफताबे नबूवत से फूटी जिसकी आदत खुदा की रज़ा बन गई जिसकी जी जी जरूर जनाब तमीर छत पिया था आफताबे नबूवत से फूटी किरण मोमिनो सैयदा तन साबर गई आफताबे नबूवत से फूटी किरण मोमिनो सैयदा तन साबर गई सैयदा बन गई जिसकी सीरत है तफसीर कुरान की जिसकी सीरत है तफसीर कुरान की जिसकी आदत खुदा की रज़ा बन गई बोलो तो सलामत रखे आखे ना सिर्फ अपनी तरफों नहीं सारे बुजुर्गों भाइयों की तरफ पाक मुअज्जिमा दी बारगाह च नजराना अकीदत है जिहड़ा मैं हाथ जोड़ के सर झुका के बड़े अदब नाल पाक वस्तु दी बारगाह च अर्ज पे करदा मेरी पाक सहण तेरी खाके कदम से बनी कहकशां और तेरे घर के सदके बनाया तेरे घर के सदके बना आसमां बहुत समझ लो गल मैं फिर अर्ज करदा पाक मुअज्जिमा तेरी खाके
कदम से बनी कहकशा और तेरे घर के सदके बनाया आसमां। तेरी खाके कदम से बनी कहकशा और तेरे घर के सदके बनाया आसमां है बना आसमां। तेरी पाकी जदहली ऐसी अदा तेरी पाकी जदहली ऐसी अदा नूरियों के लिए सिजदगा बन गई। खाकी बंदा तो खाकी होता है ना, ज्यादा नूरियों के लिए सजना का। बिस्मिल्लाह। दूसरा शेर इस तरह सारे मौलाइयों की तरफ बड़े अदब नाल अर्ज प्या करदा पाक मस्तूर दी बारगाह च मेरी पाक मुअज्जम हुसैन। तेरी खैरात हूरों की ज़िलत बनी, तेरी इस्मत के सदके में जन्नत बनी। तेरी इस्मत के सदके में जन्नत बनी। वाह वाह। मैं फिर प्यादा पाक मखदूमा तेरी खैरात हूरों की ज़िलत बनी, तेरी इस्मत के सदके में जन्नत बनी। तेरी खैरात हूरों की ज़िलत बनी, तेरी इस्मत के सदके में जन्नत बनी है ये जन्नत बनी। तेरी नाने जमी अर्श पर पहुंच कर तेरी नाने जमी अर्श पर पहुंच कर देखते देखते अल्लाह बन गई। पाक मखदूमा तो वस्ता रखे बहुत सोना तू सुने मौला थोड़े दुख दूर फरमावे ना तुझी कबूल होए मगर नतीजा से जिस वास्ते मैं सारिया गल्लां कीतियां सारा कुछ पढ़िया उस रिजल्ट च मैं शेर पढ़ना। जितने बुजुर्ग भाई सैयद मोहतरम तशरीफ फरमाओ रिजल्ट शेर तवज्जो की दावत दे के सारे की तरफ हाथ जोड़ के अर्ज पे करदा मेरी पाक मखदूमा तेरी हस्ती दलील नबूवत बनी, तू इमामत विलायत की किस्मत बनी। इमामत विलायत की मेरी पाक सैन तेरी हस्ती दलील नबूवत बनी, तू इमामत विलायत की किस्मत बनी। तेरी हस्ती दलील नबूवत किसे मत बनी, तेरी औलाद सरवर की इतरत बनी। तेरी औलाद सरवर की इतरत बनी, तेरी चादर हदीस किसा बन गई। अच्छा जी जी ठीक है बिस्मिल्लाह। मैं फिर प्यादा मेरी पाक मखदूमा तेरी हस्ती दलील नबूवत बनी, तू इमामत विलायत की किस्मत बनी। तेरी हस्ती दलील नबूवत बनी, तू इमामत विलायत की किस्मत बनी है। तू किसे
मत बनी तेरी औलाद सरवर की तरत बनी तेरी औलाद सरवर की तरत बनी तेरी चादर हदीस किसा बन गई बहुत सोना तुसा सुन हुकम दी तामील हो गई ते जो कि कलमे दे मालिक दा फरमान है ना जिथे तुहाडा इज्तिमा होवे इकट्ठ होवे तुसा रलो इकट्ठे हो उस जगह नूं उस मकाम नूं उस बैठक नूं उस दायरे नूं उस तेरे नूं जीनत दियो सजाओ मेरे प्यार अली दे जिक्र गल्लां सारियां थोड़ी याद है ते कलमे दे मालिक ने फरमाया है जिथे तुसा रल के इकट्ठा हो के कोई होर गल्लां करनियां ना अगर मेरे वीर अली दा जिक्र कर सो या सुन सो तो मेरे वीर अली दे जिक्र दे सदके जो जा भी सोनी लग सी तुसी आप भी सोन लग सी बिस्मिल्लाह दुआ तो करें दे बैठो ना माशा सरकार ने फरमाया क्योंकि अली दा जिक्र मेरा जिक्र मेरा जिक्र जिक्र खुदा और अल्लाह दा जिक्र इबादत गल्ला सारिया तो भी याद है तो पाक पैगंबर दे इस फरमान दी रोशनी च मैं कसीदा पढ़न लगा यानी जो कुछ सरकार फरमाया दा माना मतलब मकसद वो मैं जनाब नू कसीदे सुनाउण लगा गल खत्म करना पिया सलवात सारे पढ़ो तो मैं सुनाऊं मजलिस होंदी सच्चिया साईयां दी कचारी सच्चा दरबार पाक मेंबर ते लाऊ सभी कर लगा है मैं तुहाडी ते अपनी इबादत वास्ते जरिए निजात समझ के अपनी जाकरी मनावण वास्ते नहीं पाक पैगंबर दे फरमान दी रोशनी च मैं कसीदा पढ़ बिस्मिल्लाह सलवात सारे पढ़ो तो मैं शुरू कर दिया एक नारा भी होवे नजफ दिवाली सरदार अर्ज पे करे दा अल्लाह ने प्यार बनाया सिर्फ अली की ते 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 खुम्मे गदीर उते समझ गया के रब ने लफ्ज सरदार बनाए सिर्फ अली की ते लफ्ज सरदार बनाए सिर्फ अली की ते
सरदार वाला लफ्ज़ जड़ा है ना है मेरे मौला दे नाम नाल सुन जिथे जिथे पाका दे हुकदार ते आशिक बैठे जिना दिला चली बादशाह फसते चूंकि पंजाबी है अंग्रेजी फारसी अरबी नहीं मैं शेर पढ़ लगा बुजुर्ग भाई अली तवज्जो दी दावत दे के मैं प्यादा कहीं को मरादी उल्फते कह को मरादी उल्फते कह को लबादी उल्फते कह को फुकहादी उल्फते तो पूरी अली बादशाह सारे मैं क्या क्या मेरे तो अच्छा जान दियो गुरबा है गरीब दी जमा उमरा है अमीर दी जमा उलमा है आलिम दी जमा फुकहा है फकीर दी जमा ते उल्फत मैंने प्यार है सारे नु पता है तो शेर च मैं कह जिना दिला चली बादशाह बसते मैं फिर प्यादा अरब करे दाओ कह को मरादी उल्फते कह को मरादी उल्फते कह को लमादी उल्फते कह को फुकहादी उल्फते कह को वरबादी उल्फते कह को मरादी उल्फते कह को लमादी उल्फते कह को फुकहादी उल्फते करके तखलीक शिया को खुदा वंदे आलम आपको हुक्मदार बनाए सिर्फ अली की ते बिस्मिल्लाह करा मैं फिर प्यादा कह को मरादी उल्फते कह को मरादी उल्फते कह को लमादी उल्फते कह को फुकहादी उल्फते कह को वरबादी उल्फते कह को मरादी उल्फते कह को लमादी उल्फते कह को फुकहादी उल्फते करके तखलीक शिया को खुदा वंदे आलम आप हुबदार बनाए सिर्फ अली की ते आप हुबदार बनाए सिर्फ अली की ते पाक सरदार तो नमस्त रखे चलो अपनी मोहब्बत सरदार शेर सुनावा अल्लाह दे पाक नबी ईसा अलैहिस्सलाम सरकार दा इस जाहरी दुनिया ते ज़ुहूर वरूद आमद तशरीफ आवरी का टाइम करीब तारीख दस दी अनु सरकार दी पाक वालिदा वाजदा जनाब मरियम खातून कुतुब च मिलदा कि बीबी खानका वे दे करीब आई नेड़े आई नजदीक आई अंदर नहीं हाँ नेड़े आई मगर जड़ी गल कर लगा भावे बीबी अंदर नहीं जदा ईसा अलैहि सलाम दे ज़ुहूर दा तशरीफ आवरी दा टाइम वक्त करीब आ हुक्म इलाही होया मरियम इतो दूर टुरवन इस जगह छोड़ दे जदा हुक्म लिया के दूर चली जा आ मस्तूर आई नबी जी मां आई बतूल आई सर झुका के बार गए इस दिन अर्ज गुजारी तो जितने बुजुर्ग भाई बैठे जेड़ा कुछ बीबी ने अर्ज की था फरियाद की थी इल्तजा की थी
सुन के जरा जहाज दे खालिक दी तरफ जवाब विच हुक्म मिलिया ओ मैं शेर पढ़ लगा। बुजुर्ग भाई हाजिर हो जना हुक्म मिलिया के तो दूर टर वज बीबी सर झुका के अर्ज की मेरा खालिक मैं तेरे घर विच ताने बाहर हाँ तेरे घर तो आई आवाज वल भी निकलना पोसी ते को बड़ी सुन लगे बात भी निकलना पोसी सर झुका के अर्ज की थी मेरा अल्लाह मैं तेरे घर विच ताने बाहर हाँ तेरे घर तो आई आवाज वल भी निकलना पोसी ते को मैं तेरे घर विच ताने बाहर हाँ तेरे घर तो आई आवाज वल भी निकलना पोसी ते को तेको मालूम नहीं तू है माई सादी मैं घर बार बनाया सिर्फ अली की ते दुआ हो गई थोड़ी। चलो एक शेर और सुनावा चाहो अली बादशाह सरदार दी ज़ुल्फ़िकार जिहड़ी अल्लाह आसमाना तो नाज़िल फरमाई है जिहदे कब्ज़े ते लिखे होया शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार यानी मर्द अली बादशाह दे मुकाबले दा कोई नहीं तलवार ज़ुल्फ़िकार के मुकाबले शेर पढ़ लगा बख्तर कहते आया पूछा गया कि तू आसमानी लोह है ते ज़ुल्फ़िकार की में बढ़ गई बड़ी हाँ जरा सवाल होया ते जवाब विच आवाज आई जरा पूछा गया ना आसमानी लोहा हो गए ते ज़ुल्फ़िकार की में जवाब विच आवाज आई ठीक है मैं हलोहा ते आहे मैं अरशा उते मेरे अल्लाह ने मैं को भेज है फरशा उते बहुत सुनो नाली गल जड़े उबदार बैठे हो जवाब विच आवाज आई ठीक है मैं हलोहा ते आहे मैं अरशा उते मेरे अल्लाह ने मैं को भेज है फरशा उते ठीक है मैं हलोहा ते आहे मैं अरशा उते मेरे अल्लाह ने मैं को भेज है फरशा उते ना ज़ुल्फ़िकार मेरा रख मेरे रब ने मैं को तलवार बनाया सिर्फ अली की ते मैं को तलवार बनाया सिर्फ अली की ते जियो बोलो विस्तार रखे चलो हुक्म दी तबीज भी कर दे बिस्मिल्लाह जी ठीक है सलवात पढ़ो ना सारे बहुत बड़ा हाँ जी जी मैं बिल्कुल तामीर कर लगा जिसनु किसे पीर मने है ना उदे मुतलक आप ही दस सकदा बाबा जी असि जिहड़े हर वेले अली अली करदे मैं बिल्कुल गल कोई नहीं मैं दसन लगा कि असा अली सरदार नु क्यों मने जिसनों को बंदा है वो आप ही दस सकते हैं ऐसे या हर वेले अली अली करके ठरन वाले लोग अगर कोई पूछे तो ओ मैं जवाब विच हुक्म दी तामील शेर पढ़ लगा सलवात पढ़ो तो मैं शुरू कर दिया
तमिल प्यादा नबिया विच भी कोई नहीं ते बलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी नबिया विच भी कोई नहीं ते बलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी नबिया विच भी कोई नहीं ते बलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी नबिया विच भी कोई नहीं ते बलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी नबिया विच भी कोई नहीं ते बलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी नबिया विच भी कोई नहीं ते बलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी नबिया विच भी कोई नहीं ते बलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी साडिया विच भी कोई नहीं ते तुहाडिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी साडिया विच भी कोई नहीं ते तुहाडिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी नबिया विच भी कोई नहीं ते वलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी साडिया विच भी कोई नहीं ते तुहाडिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी तमीले चलान कीते नबिया विच भी कोई नहीं ते वलिया विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी साडिया विच भी कोई नहीं ते तुहाडिया विच ते जाने यार बाबा जी ठीक अगे आखे ना हर दावे दी दलील होंदी जिहड़ा दावा कीता है दलील च मैं शेर पढ़न लगा जितने मोहतरम बैठे हो ऐलान करके मैं प्यादा सारी दुनिया तो आला मोहम्मद है लफ्ज़े बाला तो बाला मोहम्मद है अर्ज पे कर रहा हूँ सारी दुनिया तो आला मोहम्मद है लफ्ज़े बाला तो बाला मोहम्मद है सारी दुनिया तो आला मोहम्मद है लफ्ज़े बाला तो बाला मोहम्मद है उंदे चाचे बाबे उंदे सौरे साले उंदे सजे खबे वेखो हर पासे रिश्तेयां विच भी कोई नहीं ते यारां विच भी नहीं अली जिया पीर तैनु कित्थों लभसी जीओ चलो एक लफ्ज होर चाखा किसे दा पीर इंज दा होवे ते लाया वे विखावे चा तुसी मन वी सा हां जी तुहाडी जी अच्छा जी अर्ज कीते सारी दुनिया तो आला मोहम्मद है लफ्ज़े बाला तो बाला मोहम्मद है सारी दुनिया तो आला मोहम्मद है लफ्ज़े बाला तो बाला मोहम्मद है उंदे चाचे बाबे उंदे सौरे साले उंदे सजे खबे वेखो हर पासे रिश्ते विच भी कोई नहीं ते यारां विच भी नहीं पीर तैनु कित्थों लभसी रखे जिहड़ा आखे किसे दा अगर पीर ऐसा होवे त
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਜੈਂਦੀ ਬਿਲ ਤੇ ਅਸਦ ਜੈਸੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ जैंदी बिल ते असद जैसी मां होवे जैंदा अल्लाह दे नामा विचो ना होवे जैंदी बिल ते असद जैसी मां होवे जैंदा अल्लाह दे नामा विचो ना होवे अबू तालिब जिहा जैंदा बाबा होवे जाहिर हो मन दी जा जैंदी काबा होवे ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀ ਅਪੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਥੋਂ ਲਬਸੀ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਗਿਆ ਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਚਾਰੀ सच्चे दरबार ते पाक ते लाउड स्पीकर लगा हुआ है ये जरो कुछ पढ़े सारे दे नतीजा ए पंकज दे करे कुरान तू काट नहीं सच्चे दरबार च खड़ो के इसे ते रख के कसम चार के मैं प्यादा बिन अली दे इमाम अल मुताकीन कोई नहीं बिन अली दे अमीर अल मोमिनीन कोई नहीं बोलो तो बोलो बिस्मिल्लाह मैं फिर प्यादा बिन अली दे अमल मुत्ताकीन कोई नहीं बिन अली दे अमीर अल मोमिनीन कोई नहीं बिन अली दे इमाम अल मुत्ताकीन कोई नहीं बिन अली दे अमीर अल मोमिनीन कोई नहीं ए लकब है सिर्फ मुर्तजा वास्ते मखसूस न मेरे पेशवा वास्ते बारह विच भी कोई नहीं ते चौदह विच भी नहीं हुकम दी तबेले च काफी वक्त गुजर गया दुआ हासिल करने वास्ते ते हुण टाइम वक्त वेदे होया तुहाडे हुकम दी तबेले च थोड़ा जा वक्त इबादत का दूसरा हिस्सा कोई ऐसी गल नहीं जी तुम याद ना हो इस ख्याल से आ बैठो कि सैयद हसदे हैं ते बेमौसम जिन्हें आह निकल गई अखी छजू आ गई जिन्हें रो पे हो सैयद ऐसे उजड़े जिन्हें बार बजे आवन तक बस नहीं सकते हर शायद तो याद है जरा हुक्म है बिल्कुल थोड़ा जा वक्त हुक्म की तामील करने लगा मैं बिस्मिल्लाह करा अर लुपया करें ता चुम पेशा नहीं वाह शिया सुनी वाह सैयद ते सैदा ने हुकदार बन शुरू की तो चुम पेशानी चुम पेशानी बचड़ी दी वाह वाह
बड़े हौसले नाल जी 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 बिस्मिल्लाह कोई ज्यादा नहीं वाह 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 मोमिन दे दिल सरदारा दा दर्द है ना हर शे जान दे मैं फिर प्यारा अर फिक्र दा चुम पेशानी चुम पेशानी बिछड़ी दी ते फरमाया पाक नबी कोई कुछ प्यादा चुम पेशानी बचड़ी ते फरमाया पाक नबी कोई कुछ अर्ज की तुम पेशानी बचड़ी फरमाया पाक नबी कोई कुछ करता चुम पेशानी बचड़ी ते फरमाया पाक नबी कोई कुछ फरमाया पाक नबी कोई कुछ फरमाया फखर नजी फरमाया फकर नजी लोगा देवा इस पुत्र दे वो मेरी पगे दी वहा इस दी है
बिस्मिल्लाह एक लफ्ज़ फिर दुआ मंगिए जेडे साईयां नूं रोंदे ना उह सरदारां नूं बड़े प्यारे उहनां दे जज़्बात दा एहतराम करना चाहिए तू जितने मुकानी बैठे हो जेडे रो पए हो एक लफ्ज़ शीफ जी अच्छा बिस्मिल्लाह करा ओ कोई कुछ ना आके धी मेरी को देखो खाले खबर दी लोग मैं हाथ बंदी खड़ा बिस्मिल्लाह जितने सैयद सैयदा दे मनन वाले मैं प्यादा कुर्बान खदीजा कुबरा दा की सर्व इस्लाम ते किया ओ शर्मा या करे अब तालिब दा अब इस दीन ते लगे दारे इस्लाम ते किया सरमाया करे अबू तालिब दा वो इस दीन ते लगे नारे ओ इसका दिया मखदूमानी ते हुको क्या ही बदल दिया ओ दसो मैं ते अता इसे एल मनी इदा क्यों हते पासे ते दुनिया दूनी क्यों चुनी है ओ इसका दिया ही दुआ वेले हाली ते हुको प्यू दा बदला दिया ओ ते सुमय दे अता इसेन मदी इदा क्यों हते पासे तेरे हा प्यू दे बादुई है सत्य आखनार तस्वी आई पड़ सके बिस्मिल्लाह चलो एक लफ्ज़ोर जेड जी बिस्मिल्लाह मेरे भाई आदर बाकी सारिया कबर ऊंची जात मेरी मखदूमा दी कबर जिकी जात बिस्मिल्लाह करो इतनी दुखी कीती है मुसलमाना ऐसे रखे दुनिया टुटी है मेनू जिक्र दी कसम है जी बिस्मिल्लाह अर्ज पे करे ना कुल माल खदीजा कुबरादा थी सर्फ इस्लाम ते किया सरमाया कोई अबु तालिब दा इस दीन ते लगे दारे को प्यू दा बदला दिया दसो मैं देता इसे मदी इदा क्यों हते पासे तेरे मेरे मौला साड़ी इस थोड़ी जी बात खून बिस्मिल्लाह करा मेनू जिक्र दी कसम ऐसे रंग च कलमा पढ़न वालियां टोलिए जेड़ा आखरी वक्त आई
रो के जनाब फिजा के मौला बीबी पासे तो हाथ नहीं चले। सरदार फरमान में हाकिमा बतूल महकूमा मैं हाथ चाहना जेड़ा भी सरदार दा हाथ मेरी वज़मा दे हाथ आया है मेरी सहन का जनाजा कंब गया लंद गई लाश आवाज आती है या अली मेरे पास तो ते हाथ जावे हौले हौले तैमाशन पुता जड़ा पक्षी कोई ना बोले गुलसू मजे सर ते चाह दलो वे मेरी लाश देवा लेना कोल सारे मोमिन की हाजिर ऐदर शबीर मेरा मौला अली असगर सरकार ने सदके हयाती बचा तो और जी किसी मोमिन में कोई परेशानी नहीं है अपने दिल तो ही रख दे मेरा मौला तेरी दुआ दिलों के राज जाने लिए सब दिया तो एक इन नगरिया वाली मैं अपने सरदार सईदा ने बसता बरकत फरमा इज्जत अता फरमा बरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा अपनी बारगाह च वसी हलाल रिज़्क़ जाकिर गुलाम शबीर दे इज्जत बख्ते इज़ाफ़ा वजीद जुबान तासीर अता किसी का मोहताज ना कर ये नौकरी नसीब फरमा सारे मोमिनों की हाजरी कबूल फरमा सब दिया दुआ कबूल फरमा कायम आले मोहम्मद सरकार दी जरूर फरमा मोमिन जिते जिते बसते उन्होंने इज्जत शान कर दिता रख हर अमीर और गरीब मोमिन की इज्जत महफूज रख ये मजलिस जिक्र अज़कार नौकरी ड्यूटी दुआई मेरा मालिक कबूल फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला